सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्य दर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं। इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए और वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार होने की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपना जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ। प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं, अतः मेरे मोह रहित तथा सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चित ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया था। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मण के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के दूसरे ही स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न और सानंद से अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी के अत्यंत आनंदित हो अनंत भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपनी एवं शिव को सुख देने वाली हैं। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम तथा परमानंद से युक्त होकर उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से बिहल होकर उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता हूँ। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों को, उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सबका आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आरवी भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत से लोगों से मैंने ये कथा सुनी परंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां से इस प्रकार बोले।